नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं सागर टीवी न्यूज के साथ। कौन बनेगा सांसद में आज बात बुंदेलखंड की खजुराहो लोकसभा सीट की। आज़ादी के बाद पहले हुए आम चुनाव में खजुराहो नाम से कोई भी सीट नहीं थी। साल 1957 में हुए दूसरे आम चुनाव में खजुराहो सीट अस्तित्व में आई। उस वक्त ये डबल मेंबर वाली लोकसभा सीट हुआ करती थी। इसके बाद साल 1962 में ये सिंगल मेंबर वाली लोकसभा बनी। साल 1967 व 1971 के दो चुनाव में इस सीट को टीकमगढ़ छतरपुर के नाम से जाना गया। बाद में साल 1977 में ये सीट खजुराहो नाम से एक बार फिर अस्तित्व में आ गई। आज तक इसी नाम से जानी जाती है। खजुराहो लोकसभा सीट में छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा, पन्ना जिले की पवई पन्ना और कटनी जिले के विजय राघवगढ़, मुड़वारा और बहुरीबंद विधानसभा आती हैं। बात करें इस सीट के राजनीतिक इतिहास की, तो साल 1957 से लेकर साल 2014 तक इस सीट से 5 बार कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने 7 बार जीत दर्ज की। भारतीय लोकदल के उम्मीदवार ने 1 बार इस सीट से जीत हासिल की। भाजपा की दिग्गज नेता उमा भारती यहाँ से 4 बार सांसद रहीं, जबकि 1 बार वो यहाँ चुनाव हार गई थी। हाल ही में हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नागौद विधानसभा सीट से खजुराहो के भाजपा के सांसद नागेंद्र सिंह ने जीत हासिल की, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई। तो आइए अब बात करते हैं खजुराहो लोकसभा सीट से कांग्रेस और बीजेपी के दावेदारों की। साल 2004 से इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा है। तो शुरुआत करते हैं बीजेपी के दावेदारों से। खजुराहो लोकसभा सीट से भाजपा के दावेदारों में सबसे पहला नाम आता है मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री संजय पाठक का। संजय पाठक का राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी में कई पदों पर रहे, विधायक रहते हुए भाजपा में शामिल हुए। इसके बाद उपचुनाव जीता और शिवराज सरकार में मंत्री बनाए गए। वर्तमान में वह विजय राघवगढ़ से विधायक हैं और खजुराहो लोकसभा सीट से दावेदार। भाजपा के दावेदारों में दूसरा नाम आता है पूर्व मंत्री कुसुम मेहंदेले का। भाजपा सरकार में मंत्री रही कुसुम मेहंदेले खजुराहो लोकसभा सीट से टिकट के लिए दावेदारी कर रही हैं। वे 4 बार पन्ना विधानसभा से विधायक चुनी गईं। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने टिकट काट दिया, जिसके बाद अब वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं और अपने लिए सीट तलाश रही हैं। तीसरी दावेदार भी एक पूर्व मंत्री हैं, ललिता यादव। भाजपा की 2 बार की विधायक हैं, इस बार विधानसभा का चुनाव हार गईं, अब लोकसभा के लिए दावेदारी कर रही हैं। चौथे दावेदार हैं भाजपा नेता ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें पन्ना विधानसभा से कुसुम मेहंदेले का टिकट काटकर टिकट दिया गया था, अब लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। लोकसभा चुनाव के लिए खजुराहो सीट से दावेदारी कर दी है। इन सभी दावेदारों में से एक नाम है राजा बुंदेला का। फिल्मी दुनिया से सियासी दुनिया में आने वाले राजा बुंदेला भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। शिवराज सरकार ने एमपी में बेटी बचाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अटकलें हैं कि वो खजुराहो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा अगला नाम है पुष्पेंद्र प्रताप सिंह का। छतरपुर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इनकी पत्नी अर्चना सिंह को चुनाव लड़वाया था, लेकिन हार गई। अब पुष्पेंद्र सिंह लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं। वहीं संजय नगाइच भी दावेदारों में हैं, जो पन्ना जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। संजय नगाइच भाजपा के युवा नेता हैं। इनके अलावा अनुपमा लोधी भी दावेदार हैं। अनुपमा लोधी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। इस बार वह खजुराहो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। इनके पति उड़ीसा कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में कटक शहर में कमिश्नर के पद पर पदस्थ हैं। अनुपमा अब भाजपा से खजुराहो सीट से दावेदारी कर रही हैं। बीजेपी के बाद अब बात करते हैं कांग्रेस के दावेदारों की। देखा जाए तो कांग्रेस के दावेदारों में ज्यादा दावेदार तो सामने नहीं आए, लेकिन पिछले 15 सालों से इस सीट पर वनवास काट रही कांग्रेस अब अपनी सत्ता वापस पाना चाह रही है। कांग्रेस के दावेदारों में पहला नाम है रामकृष्ण कुसमारिया का। हाल ही में भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए रामकृष्ण कुसमारिया खजुराहो लोकसभा सीट से मजबूत दावेदार हैं। बाबा जी नाम से जाने जाने वाले रामकृष्ण कुसमारिया अब तक 5 बार सांसद रह चुके हैं, जिसमें से 4 बार दमोह लोकसभा सीट से और 1 बार खजुराहो लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। वो इस बार दमोह और खजुराहो दोनों सीट से दावेदारी कर रहे हैं।
लेकिन खजुराहो सीट पर उनकी दावेदारी प्रबल मानी जा रही है। इनके अलावा पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता राजा पटेरिया भी दावेदार हैं। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे राजा पटेरिया को कांग्रेस खजुराहो लोकसभा सीट से लगातार दो बार प्रत्याशी बना चुकी है, लेकिन दोनों ही बार उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। एक बार फिर वह चाहते हैं कि पार्टी उनको टिकट दे। खजुराहो लोकसभा सीट से एक बार फिर वो दावेदारी कर रहे हैं। तो ये थे कांग्रेस और भाजपा के खजुराहो लोकसभा सीट से दावेदार जो जन चर्चाओं में है। वहीं देखना होगा इस सीट से मुकाबला किन नेताओं के बीच होगा और उसका नतीजा क्या होगा।